हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा, मेरी माँ की रेसिपी से। और आज मैं बनाने वाली हूं दोस्तों पेड़ा, यानी कि दूध पेड़ा मैं आज बना रही हूं, वो भी देवघर वाले पेड़ा। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत कम सामानों से बन जाते हैं। तो मैं इसमें दो ऐसा सामान मिलाऊंगी जिससे डालने से आपके पेड़े में बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी दोस्तों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देख लीजिए इसके लिए क्या क्या मैंने सामान चाहिए। तो बहुत ही कम सामानों से बनते हैं, बस इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है दोस्तों, पर ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लगा दिए हैं ताकि ये जो मैं जब मैं इसे घाटूँ तो ये चिपके नहीं। तो ये देखिए, हमने 1 किलो दूध लिया है, ये पका हुआ दूध है। ये तो पहले हमने टोपिया में पका लिए थे, वो दूध है ये। उसके बाद इसे हम गैस में चढ़ा देते हैं और इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए उबालेंगे तेज़ आँच में। तो और जब भी उबालिएगा तो चलाते रहिएगा बीच बीच में, नहीं तो ये बैठ जाते हैं नीचे। और इस तरह से किनारे किनारे वाला हटा हटा के चलाइएगा ताकि किनारे में जो मलाई लगा हुआ रहता है वो हट जाए और ये गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए 20-25 मिनट हो चुके हैं। और उसके बाद इस तरह से फिर हम मिलाते हुए चलाएँगे और इसे फिर हम 14-15 मिनट के लिए और गाढ़ा करेंगे। शुरू में टाइम लगता है गाढ़ा करने में, जब ये हल्का गाढ़ा हो जाता है तो टाइम नहीं लगता है दोस्तों, उस वक्त आप एकदम नहीं हटिएगा, चलाते रहिएगा। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है, अब मैं यहाँ से एकदम नहीं हटूंगी क्योंकि ये हटने से ये जम सड़ जाएंगे। और ये देखिए, हमने डाला है 1/2 कटोरी मलाई। जी हाँ दोस्तों, मलाई डालने से पेड़ा का कलर बहुत अच्छा आता है और ये चिपचिपा नहीं रहता, जो चिपक जाते हैं ना, लटलट हो जाते हैं, वैसे नहीं होंगे ये। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी 1/2 कटोरी चीनी, क्योंकि चीनी की मात्रा इसमें कम दीजिएगा, क्योंकि दूध जब गाढ़ा हो जाता है तो ये मीठा मीठा अपने लगता है खाने में, इसीलिए दूध की मात्रा, ये चीनी की मात्रा कम दीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह से चलाते रहिएगा। और ये देखिए, चला लेने के बाद इसमें हम एक सामान और मिलाएंगे, इसे मिलाने से बहुत ही ज़्यादा पेड़े स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये देखिए, हमने डाला है इसमें 1 चम्मच घी। तो ये घर का बना हुआ घी है, आप बाज़ार का घी भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। और इसे मिलाते हुए चलाइए। तो ये देखिए, मेरा नॉनस्टिक कढ़ाई जैसा बन गया है ये, क्योंकि ये देखिए चिपक नहीं रहा है। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ, हमारा पेड़ा बनके तैयार हो चुके हैं, बस इसे अब पेड़े का आकार देना है। तो इसे ठंडा करने के लिए मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ इसे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारे को निकाल लेती हूँ, अभी गर्म है तो गर्म गर्म पेड़ा नहीं बनेगा दोस्तों, इसे ठंडा करना ज़रूरी है। तो इसे कम से कम 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए पंखा के नीचे। ये देखिए, अब अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं फिर हाथ में थोड़ा सा घी ले लेती हूँ, घी हाथ में लेने के बाद, ताकि मेरे हाथों में चिपके नहीं, क्योंकि इसमें चीनी डला हुआ है और ये दूध से बना हुआ है तो चिपकेगा ही, इसीलिए चीनी, ये हाथ में घी लगाया जाता है दोस्तों। और ये देखिए, बहुत सॉफ्ट है ये पेड़े, तो आप इसको जितना मलिएगा उतना ही देखने में अच्छे लगेंगे और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, फटाफट हमारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो ये देवघरिया पेड़ा मैं बनाई हूँ, देवघर में ऐसा ही पेड़ा मिलता है दोस्तों, बाबा धाम में। तो ये इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। तो कुल हमारे पेड़े बनके तैयार हो रहे हैं, 11 पेड़े शायद हमारे बनके तैयार हो गए हैं दोस्तों। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। तो अब बारी है टिप्स के लिए, और टिप्स अगर अच्छे लग रहे तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, आज का टिप्स है ब्यूटी टिप्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाल खुरदरे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा आपका बाल स्ट्रेट टाइप का लगे देखने में, या फिर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, चिपके चिपके से हैं, अगर आप चाहते हैं आपके बालों में वॉल्यूम आ जाए पूरा इस तरह से, तो मैं एक उपाय बताऊँगी, इसे करने से आपके बालों में वॉल्यूम भी आ जाएंगे और आपके बाल जो हैं घुंघरेले हल्के हैं तो वो स्ट्रेट भी हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा। इससे बालों से रूसी भी निकल जाते हैं, साथ में आपके जुए भी सारे हट जाएंगे। तो ये देखिए, हमने 2 एलोवेरा का सारा गुद्दा इसका निकाल लिया है, और ये हमने रात में मेथी दाना भिंगो के रखे थे, वो है ये तो 2 चम्मच मेथी हमने रखे हैं, इसे हम पीस लेंगे बारीक। तो ये देखिए, हमने मेथी को महीन पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से पीस लेंगे मेथी को। मेथी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। तो एक कटोरा में इसे हम मेथी को सारे को निकाल लेंगे। तो ये मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ अपने बालों के लिए, आप कम ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं मेथी की। इसके बाद हम ले लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा हमने इस तरह से इसको भी पीस लिया है ताकि अच्छा से मिल जाए, हाथ से मैश कीजिएगा तो अच्छा से नहीं मिलेगा, इसे पीसना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए पीस लीजिएगा ज़रूर। अगर आप एलोवेरा जेल नहीं यूज करना चाहते तो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले, उसके बाद हम इसमें दे देंगे दही, और दही बालों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। दही बालों में लगाने से बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सिल्की होते हैं, अगर रूसी हैं तो रूसी भी हट जाते हैं।
तो इस तरह से हम इसमें ये देखिए मैं बताना भूल गई थी, ये एलोवेरा जेल है। अगर आप एलोवेरा नहीं देना चाहते, पत्ता नहीं देना चाहते हैं, तो आप ये इस तरह से जेल भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद एक सामान और ऐड करना है, तो ये है नारियल का तेल। तो हमें इसमें नारियल का तेल डालेंगे क्योंकि मैं यही तेल लगाती हूँ बालों में। अगर आप कोई भी तेल लगाते हैं, जो तेल लगाते हैं, रोगन बादाम हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया या फिर कोई भी तेल आप लगाते हैं, वो इसमें एक चम्मच डाल दीजिएगा। और डाल देने के बाद अच्छा से फेंट लीजिएगा, फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा, फेंट लेने के बाद इसे आप बालों में अच्छे से लगा लीजिए। और हाँ, इसे आप जब भी बालों में लगाइएगा तो मसाज करते हुए बालों में लगाइए, ताकि ये जड़ों तक अच्छा से पहुंच जाए। जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जड़ों तक पहुंचेंगे तब आपके बालों में वॉल्यूम आएंगे, बाल स्ट्रेट होंगे। और इस तरह से आप बालों में लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसे कम से कम 2.5 या 3 घंटा तक बालों में लगे रहने दीजिएगा। उसके बाद अपना जो काम करना चाहते कीजिए। उसके बाद इसे आप ठंडे पानी से धो लीजिए। अगर धो लीजिएगा तो अच्छा बात है। अगर आपको पसंद नहीं है दही का स्मेल, तो आप इसे शैम्पू भी कर सकते हैं। शैम्पू करने के बाद आप देखिएगा आपके बाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा बालों में। तो ज़रूर कीजिएगा, महीने में एक बार जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये टिप्स या रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और आइकन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छे लग रहे दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।